हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू गेमिंग वीडियो। तो कैसे हो, होप करता हूँ सब बढ़िया ही होंगे। तो आज मैं अपने नए वाले घर में आया था। वैसे आज हम बाय करने जा रहे हैं वॉल्सवैगन पोलो कार को। तो कल रात को मेरा फ्रेंड मेरे से मिलने आया था। कल रात को हमने बहुत ज़्यादा फन किया गाइस, एंड मैंने उसकी भाई ये वाली कार भाई ले ली है कुछ दिनों के लिए। उसके बदले में गाइस मैंने अपनी वरना उसको दे दी है, क्योंकि गाइस मेरे को ये कार की लुक काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी, इसलिए भाई मैंने कुछ दिनों के लिए उससे ये कार मांग ली है। एक बार लुक चेक करो गाइस, कार की काफ़ी ज़्यादा अच्छी लुक है भाई। एंड भाई एक बार मैं आपको इस कार के अंदर बैठ कर दिखा देता हूँ। डैशबोर्ड चेक करो भाई, क्या ही तगड़ा डैशबोर्ड है इसका। इंटीरियर भी भाई काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो चलो फटाफट से भाई गैराज की डेस्टिनेशन लगा लेते हैं, एंड फटाफट से भाई निकलते हैं अपनी कार को लेने के लिए। वैसे भाई ये कार का इंजन इतना ज़्यादा खतरनाक है कि मैं आपको बता नहीं सकता भाई। तो जैसे कि आप सबको पता ही है कि गाइस मैं ये वाली कार को पहली बार चलाने जा रहा हूँ, तो गाइस मैं इसका भाई ऑफ रोड टेस्ट करने जा रहा हूँ। मतलब गाइस हम अपने गैराज में तो जाएंगे, बट हम सारा का सारा रास्ता भाई कच्चे रास्ते से इसको लेके जाएंगे, एंड चेक करेंगे कि जो ये कार है भाई रोड में तो अच्छी चलती है, बट क्या ये ऑफ रोड में चल पाती है कि नहीं। तो अभी हमको आराम से यू टर्न लेनी है, एंड भाई अपने को ध्यान से लेना होगा, बिकॉज गाइस अपनी ड्राइविंग भाई इसमें थोड़ी कच्ची है ये वाली कार में। एंड यहाँ के जो बंदे हैं भाई उनकी ड्राइविंग स्किल बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, तो थोड़ा बच के भाई यू टर्न मारना होगा। एंड गाइस आप देख ही रहे होंगे भाई पूरे के पूरे रोड में एक भी गाड़ी इसकी जैसी नहीं दिखी होगी आपको, क्योंकि गाइस यहाँ पे भाई जो सिटी के लोग हैं काफ़ी ज़्यादा गरीब हैं। बट गाइस गरीब तो है यहाँ के लोग, बट ये कार काफ़ी ज़्यादा महंगी है, तो गाइस इसको लेने की मेरी भी औकात नहीं है भाई, ये गाड़ी मेरी भी औकात से बाहर है। एंड आगे जाकर भाई अपने को लेना है यू टर्न, एंड वहाँ से भाई अपना जो है ऑफ रोडिंग का रास्ता शुरू हो जाएगा। A few moments later. Alright guys, अब हमने यू टर्न ले ली है, एंड अपना ऑफ रोडिंग का रास्ता शुरू हो चुका है। वैसे ये कार ऑफ रोडिंग के लिए तो नहीं बनी है, बट भाई क्या करूँ भाई, मेरे को इतनी अच्छी लगी ये कार, इसीलिए भाई हम इसका ऑफ रोडिंग टेस्ट ही करेंगे। शिट भाई यार, अगर मेरे फ्रेंड को पता चल गया वो तो मेरे को मार ही देगा। अभी ये तो हमने ऑफ रोडिंग शुरू ही की थी भाई, यार इसके पहले से ही डेंट पड़ गया। चलो कोई बात नहीं भाई यार, रास्ते में और भी ज़्यादा गड्ढे आएंगे, और भी पत्थर आएंगे, तो अपने को ध्यान से चलानी होगी भाई। यार ऑफ रोडिंग में चलाने में थोड़ी दिक्कत आ रही है यार। चलो कोई बात नहीं यार, अब तो हम इसको ले ही आए हैं, तो भाई इसी से ऑफ रोडिंग करेंगे। एंड गाइस अब इसको हम ट्रेन की पटरियों से लेकर जाएंगे, देखते हैं यहाँ पे भाई इस कार की बॉडी कितना डैमेज होती है। बट वेट गाइस, यहाँ पे तो ये काफ़ी ज़्यादा स्टेबल चल रही है, अगर इस पे और भी ज़्यादा डेंट आता है तो गाइस कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है, हम अपने फ्रेंड को देने से पहले भाई इसको रिपेयर करवाएंगे। एंड सामने की तरफ ट्रेन है, एंड भाई अपने को भी यहाँ से यू टर्न लेनी है, तो गाइस अपने को भाई ध्यान से लेना होगा भाई, कहीं फिर से अपनी कार ठुक ना जाए। फाइनली बच गए भाई, पर एक सेकंड वो थार वाले को देखो, सिस्टम पार देंगे भाई, कितने हैवी ड्राइवर है यहाँ के। चलो कोई बात नहीं, मेरी कार बच गई यार। चलो अब हम फटाफट से निकलते हैं, एंड भाई हमने आधा रास्ता क्रॉस कर लिया है। वैसे गाइस अपनी कार उतनी भी ख़राब नहीं लग रही है, हल्का सा ही डेंट है, तो चलो भाई थोड़ी सी कार की स्पीड बढ़ाते हैं। ये क्या है भाई, क्या ही गंदा वाला ग्लिच हुआ है यार, और ऊपर से भाई अपनी कार देखो यार, क्या ही भाई गंदा वाला, टूट चुकी है। एंड ये देखो भाई, सामने से बंदा आ रहा है, लेकिन भाई यार ऊपर ही चढ़ा दी गाड़ी भाई, पता नहीं कौन से सस्ते नशे करके भाई ये गाड़ी चलाते हैं। एंड अब मैं भी भाई अपनी कार को पूरी स्पीड में दौड़ाने वाला हूँ। अब गाइस मैं भी भाई ब्रेक नहीं मारने वाला अभी, क्योंकि भाई मैं बहुत ही ज़्यादा लेट हो रहा हूँ, इसलिए भाई अब मैं अपनी कार को फुल स्पीड में दौड़ाऊँगा। ऑलराइट गाइस, हमने अपना गैराज पीछे छोड़ दिया, क्योंकि गाइस हम पहले अपनी कार को रिपेयर करा लेते हैं। चलो कोई नहीं गाइस, यार पास में ही एक रिपेयर की शॉप है, तो फटाफट से हम पहले चल के वहाँ पे अपनी कार को रिपेयर करवा लेते हैं। ऑलराइट गाइस, एक घंटे बाद अपनी कार हो चुकी है फुल रेडी, एंड फुल चकाचक हो चुकी है। एंड भाई अपने फटाफट से चलते हैं गैराज में, एंड फटाफट से अपने कोई अपने फ्रेंड को कार देते हैं, एंड अपनी कार उठा के फटाफट से भाई अपने घर के लिए निकलते हैं। फाइनली गाइस, हमने भाई अपनी यहाँ पे कर दी है कार पार्क,
एंड भाई अंदर चल के फटाफट से भाई देखते हैं अपनी कार कहाँ पे खड़ी है। बाय द वे, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से जाओ चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड बेल वाले नोटिफिकेशन को ऑल पर सिलेक्ट कर दो। ऑलराइट गाइस, यहाँ पे काफी सारी गाड़ियां खड़ी हैं एंड सामने की तरफ देख सकते हो भाई अपनी कार खड़ी है। एक बार लुक चेक करो गाइस, क्या ही जबरदस्त लग रही है अपनी कार। एंड गाइस एक बार नंबर प्लेट पे निगाह मारो, जिसको भी पता है भाई कि ये मैंने नंबर प्लेट पे क्या लिखा है मेरे को कमेंट में बता देना। एंड गाइस एक बार हम अपनी कार का इंटीरियर भी चेक कर लेते हैं, देखो भाई इसका डैशबोर्ड क्या ही जबरदस्त है। चलो गाइस अब फटाफट से हम अपनी कार को बाहर निकाल लेते हैं। ऑलराइट गाइस, हमने अपनी कार बाहर निकाल ली है एंड एक बार सनलाइट में कार की लुक चेक करो, क्या ही शाइन मार रही है। तो हम अपनी ब्लैक वाली कार को यहीं पे खड़ी रहने देंगे, मेरा फ्रेंड आकर अपने आप ही ले जाएगा। एंड हम भाई फटाफट से अपने घर की डेस्टिनेशन लगाते हैं एंड यहाँ से फटाफट से भाई निकलते हैं। ऑलराइट गाइस, हमने आधा रास्ता क्रॉस कर लिया है, बस अब अपना घर थोड़ी दूर में ही है। मारो हमको, मारो हमको, जिंदा मत छोड़ो सालो, हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। शिट भाई यार, क्या ही गंदे एक्सीडेंट हुआ है भाई, आजकल गेम में बहुत ही ज्यादा ग्लिच होने लग गया है। एंड गाइस अपने को फटाफट से जाकर अपनी कार को रिपेयर कराना होगा। ऑलराइट गाइस, फाइनली हमने 2 से 3 घंटे ड्राइविंग करके भाई फाइनली आ चुके हैं हम रिपेयर स्टेशन में एंड फटाफट से भाई अपनी कार को रिपेयरिंग के लिए लगा देते हैं। 2000 years later. ऑलराइट गाइस, पूरे 2 दिन बाद अपनी कार हो चुकी है फुली रिपेयर एंड एक बार गाइस अपनी कार की लुक चेक करो, क्या ही शाइन मार रही है। तो अब रात हो चुकी है तो गाइस अब रोड पे ट्रैफिक बहुत ही ज्यादा कम होगा, फिर भी अपने को भाई ध्यान से गाड़ी चलानी होगी क्योंकि गाइस यहाँ के ड्राइवर बहुत ही गंदी वाली गाड़ी चलाते हैं। ये देखो गाइस, ये वैसी ही कार है जो अपने पास पहले थी, मतलब गाइस ये काफी रिच बंदा है। चलो कोई नहीं, हम अपनी ड्राइविंग पे ध्यान देते हैं। तो गाइस रात काफी ज्यादा हो चुकी है एंड गाइस वीडियो भी काफी ज्यादा लंबी हो रही है, तो चलो मैं आपको मिलता हूँ घर पहुँचने के बाद। ऑलराइट गाइस, फाइनली हम पहुँच चुके हैं अपने घर में। तो गाइस मैं अपने पुराने वाले घर में जा रहा था बट गाइस वो रास्ता काफी ज्यादा दूर है, तो मैंने सोचा भाई यहीं पे ही रुक जाते हैं। एंड गाइस वीडियो करते हैं यहीं पे एंड। होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल वाले नोटिफिकेशन को ऑल पे सिलेक्ट कर देना। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट कर देना। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, हैव अ नाइस डे।